नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, एचआईवी फोबिया का सामना कर रहे इंसान की एचआईवी टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद भी मन यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि इंसान पूरी तरीके से सुरक्षित है। मन में उठने वाला बार बार यह विचार कहीं कुछ हो ना जाए इंसान को मजबूर करता है कि वह एचआईवी संबंधित अलग अलग जानकारियों को इकट्ठा करे। इंसान जब एचआईवी संबंधित जानकारियों को अलग अलग माध्यमों से इकट्ठा करता है तो उसके मन में डर के स्तर में कमी नहीं आती, बल्कि मन में कई तरह की शंकाएं और पैदा हो जाती हैं। मन में पैदा होने वाली शंकाएं अस्थिरता के स्तर को बढ़ाती हैं और एक इंसान के लिए एचआईवी संबंधित चलने वाले विचारों को नियंत्रित कर पाना काफी कठिन कार्य हो जाता है। मन में लगातार एचआईवी संबंधित उठने वाले विचार एक इंसान को काफी अधिक परेशान करते हैं और मन में डर एवं घबराहट के स्तर को बढ़ाते हैं। जब बार बार डर एवं घबराहट का स्तर बढ़ता है तो इंसान के पास एक ही रास्ता बचता है कि वह तरह तरह की एचआईवी संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करे, ताकि वह खुद को यह समझा सके कि उसे एचआईवी नहीं है। अगर दोस्तों आपके साथ भी यही स्थिति बन रही है, आपने एचआईवी टेस्ट करा रखा है और आपकी रिपोर्ट निगेटिव है, तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि आपको एचआईवी नहीं बल्कि एचआईवी फोबिया है। और एचआईवी एवं एचआईवी फोबिया में जमीन आसमान का अंतर है, और यही वजह है कि टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद भी आपका मन यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इसलिए आपको एचआईवी संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको एचआईवी फोबिया के समाधान हेतु कदम उठाने की आवश्यकता है। तो इस समस्या से बाहर निकलने के लिए आवश्यक है कि जो अचेतन मन की प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो चुकी है, यानी कि जो फॉल्टी थॉट प्रोसेस बन चुका है, विचार प्रक्रिया में जो गड़बड़ी आ चुकी है, उसे सुधारने के ऊपर, उसे ठीक करने के ऊपर कार्य किया जाए। तो आपको लगातार प्रयास करना है कि आप अपनी विचार प्रक्रिया को बेहतर बनाने के ऊपर कार्य करें, और अगर यह खुद के स्तर पर संभव नहीं हो पा रहा है तो आप मानसिक स्वास्थ्य परामर्श यानी कि ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।